अगर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदना है तो मैं हमेशा ऑनलाइन से ज्यादा ऑफलाइन स्टोर प्रेफर करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सस्ते नहीं होते, तो जांच कर देख कर टटोलता हूँ, तब सेटिस्फेक्शन मिलता है। वरना ऑनलाइन में तो बस फोटो देखो, बस कभी कलर अलग आ जाता है, कभी मॉडल अलग आ जाता है, तो कभी कभी सामान ही अलग आ जाता है। और अगर मुमरा में इलेक्ट्रॉनिक का सबसे बेस्ट शोरूम है तो सिर्फ और सिर्फ कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम में लगभग हर ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मिलेंगे। याद रखे, कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक का नया शोरूम अब कौसा कब्रिस्तान दोस्त अपार्टमेंट के पास नहीं, ओल्ड नशेमन कॉलोनी में है। सबसे बड़ी बात, कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक में बाय वन प्रोडक्ट एंड गेट वन अशॉर्ट फ्री गिफ्ट का ऑफर चल रहा है। एक बार जरूर कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक विजिट करिए, ओल्ड नशेमन कॉलोनी डॉक्टर दादन के पास मुमरा। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। शातिर चैन स्नेचर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की मोटरसाइकिल, 30 ग्राम सोने के जेवर समेत 2,40,000 रुपये का माल बरामद किया गया है। वर्तक नगर पुलिस थाना क्षेत्र में 13 जनवरी 2024 को सोने की चैन की चोरी के दो मामलों में करीब 250 और 300 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के दौरान आरोपी की पहचान हो पाई और चोर अंबिवली के तरफ जा रहे थे और पुलिस ने घेराबंदी कर सैयद मिसल अब्बास उर्फ हैरी सैयद हुसैनी 21 साल निवासी ईरानी बस्ती अंबिवली और मुस्तफ़ा सालू ईरानी 22 वर्षीय एक अन्य को गिरफ्तार किया है। इससे पूछताछ में पता चला कि उन्होंने 7 जगहों पर चैन स्टेचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों ने वर्तक नगर, चितलसर, कापुर बावड़ी, खड़कपाड़ा, विठलवाड़ी और मुलुंड पुलिस स्टेशन में अपराध होने की बात कबूल की है। वर्तक नगर पुलिस स्टेशन सीआर नंबर 370/2023 IPC 394 506/504 के तहत जो गुना दाखिल हुआ था उसमें आरोपी सैयद मिसर वासाब उर्फ हैरी सैयद हुसैनी, उम्र उसकी 21 साल है, रहने वाला अंबिवली का ईरानी मोमिडन कस है। ये काफ़ी हैबिचुअल क्रिमिनल है। उसको पकड़ने के बाद कम से कम 6 ऑफेंसेस डिटेक्ट किए गए और एक मोटरसाइकिल उसके तरफ से रिकवर की गई और इसमें नियर अबाउट हमने 300-350 सीसीटीवी कैमरे चेक करने के बाद हमें जो हमारा इंफॉर्मर था उसने इंफॉर्मेशन दी, उसके तहत उसको अरेस्ट करके ये 6 ऑफेंसेस हमने डिटेक्ट किए हैं। इसमें और उसके साथीदार भी हो सकते हैं, तो उसकी जाँच चल रही है। कितना टोटल जो है मुद्देमाल 5-5.5 लाख का है। सर अक्सर देखा गया है कि ऐसे ईरानी टोली जो है ये अंबिवली की बहुत बार थाने में कार्रवाई कर चुकी है, उन्होंने बहुत सारे क्राइम किए हैं थाना में जो चेस नजिंग है, इसके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई पुलिस कर? बिल्कुल ठोस कार्रवाई चल रही है। हमने अभी थाने गए, हमारे वेस्ट रीजन जो महेश भट्टी सर है उनके मार्गदर्शन में हमने कम से कम हमारे डिवीजन में अभी तक 6-7 मौका सेक्शन लगाए। सर अक्सर देखा गया है कि ऐसे मौका के तहत अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, उसमें ये जड़ से उखाड़ने के लिए हमने हमारी कोशिश रहेगी इसके लिए। सर अक्सर देखा गया है कि ईरानी टोली को पकड़ने के लिए जब उनके परिवार वाले ऐसे पुलिस वालों पे हमला करते हैं, उनको बचाने का प्रयास करते हैं, तो उस दौरान अधिकारी किस तरीके से काम करते हैं, इसको लेकर क्या कुछ? नहीं, इसमें क्रिमिनल के लिए हमारे पास कोई सिंपथी नहीं रहेगी, हम यूनिटी से काम करते हैं, चाहे थाना पुलिस हो या कल्याण पुलिस हो, सबसे एक ही दूसरे को सहकार करके इसमें कार्रवाई कर दी जाती है। इसमें हमारे सुपीरियर ऑफिसर के मार्गदर्शन में एक बड़ी कार्रवाई हो जाएगी, एक बड़ी रेड होगी, जितने भी उसमें क्रिमिनल मिलेंगे उनके ऊपर सीरियस, ताकि जो कि क्राइम नहीं हो इस तरह से कार्रवाई होगी। सर